सब तैयार है। खुदा बंदा वचन सुन दे ली। सब तैयार है। बोलो हालेलुया हालेलुया। बड़े अदब दे नाल खुदा बंदे कलाम नु सुनना, क्योंकि मैं फिर दसदा उही कलाम जो जिंदगियां नु बदल के रख देंदा है। और बाइबल आखदा कि जद और जिस दिन और जिस समय तू खुदाबंद की आवाज नु सुने ते अपने दिल नु की नहीं करना, की नहीं करना, कठोर नहीं करना, क्योंकि कठोर जमीन दे उपर बीज कदी भी फलदा नहीं आ। उसी रीति दे नाल ही वचन उस व्यक्ति दे जीवन च कदी भी फलवंत नहीं होएगा, प्रभावशाली नहीं होएगा, चेंज लेके आन दे लई ए साबित नहीं होएगा, जिन्हें अपने दिल नु कठोरता दे बंधन दे नाल बन्निया पिया। किन्नियां नु समझ आ रही है मेरी गल? जद कहिंदा तू खुदा दी आवाज नु सुने ते अपने दिल नु कठोर नहीं करना, मनना है कि हाँ ये मेरे लिए, मनना है कि खुदावंद ने मेरे लिए दिता है, मेरे लिए भेजा है, कि तरक्की दे लिए खुदावंद की नजर मेरे ऊपर हुई है, खुदावंद नु अच्छा लगा कि इस वचन के द्वारा मैं तराशिया जावा या तराशी जावा और अगले लेवल पर जावा। बोलो हालेलुया हालेलुया। ये कोई छोटी गल नहीं है कि आराधना के दौरान खुदा की निगाह तुहाडे उपर होवे, ये छोटी गल नहीं है। प्रार्थना के दौरान खुदा की नजर तुहाडे उपर होवे, ये कोई छोटी गल नहीं है कि तुसी जद खुदा के भवन के विच आओ तो खुदा की नजर तुहाडे उपर होवे। ये बहुत अद्भुत काम है जो एक मनुख के जीवन के विच होंदा। हालेलुया। पिछले संडे का की कलाम है, किन किन याद है? अपना हाथ कट करो। पिछले संडे जो कलाम होया सी, जेनु जेनु याद है अपने हाथ खड़े करो। जी यूसुफ की सिगा, हाँ अच्छा सही क्या होना, हाँ उस चेंज करना दास दे, हाँ हाँ हालेलुया। साइन सिगे, निशान सिगे, कम सिगे, चिन्ह सिगे, हालेलुया। बड़े अदब दे नाल वचन सुनना। मैं यकीन रखदा कि वचन कम करेगा जिंदगियां च। बोलो हालेलुया हालेलुया। बाइबल तुहानू ते मैनू आखदा आ एक अच्छा नमूना बनन दे। अज दे वचन दा जो टाइटल है अच्छा नमूना बनना, ओ नमूने जे नहीं बनना, अच्छा करैक्टर होना चाहिए। हालेलुया। अच्छा एग्जाम्पल बनना, चाहे वो साडा चाल चलन होवे, चाहे वो साडे बोल होन, चाहे वो साडा देखना होवे, चाहे साडा परिवार दे विच बैठना होवे ते चाहे साडा बाहर बैठना होवे, असी गुड एग्जाम्पल बनना। की बनना? एक अच्छा नमूना बनना, तां जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। यीशु मसीह के मुंह दे विचों निकले पवित्र शब्द आखदे आ कि मेरे द्वारा चुनिया होया कोई परसन, सुनना बड़े ध्यान दे नाल, जिन्हों मैं चुन लिया, जिन्हों मैं अपने नजदीक लियांदा, आखदे आ कहिंदे जे ओह तेरी खातिर ठोकर खावे ते तेरा जमणा चंगा नहीं।
समझ आई? तुसी ते मैं अपनी मर्जी दे नाल नहीं आई, कहां खुदावन की मर्जी दे नाल इस थां दे उपर पहुंचदे होए। बाइबल कहिंदा इक छोटे नूं भी, इक छोटे जे मनुख नूं भी अगर तुहाडे चाल चलन तो ठोकर लगती है, तुहाडे बोल तो ठोकर लगती है, तुहाडे देखण तो ठोकर लगती है, ते बाइबल आखदा ना जमना चाहुंदा सी। तुहाडे मोढ़ियां ते और मेरे मोढ़ियां ते बड़ी जिम्मेवारी है। चर्च आ जाना काफी नहीं है, चाल चलन नु सही रखना, करैक्टर नु सही रखना, ये तुहाडे मेरे मोढ़ियां दे उपर जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि तुहानू चर्च दे विच लोग देखदे आ, तुहानू बाहर भी नोटिस करदे आ। पॉल कहिंदा तुहाडा करैक्टर इदां दा होना चाहिए, तुहाडा चाल चलन इदां दा होना चाहिए कि लोग तुहानू देखे, तुहाडी आदतां नू, तुहाडे नेचर नू, तुहाडी सोच नू और खिचे चले आउण यीशु मसीह दे वल नू। बोलो आमीन, हालेलुया। इदां दा करैक्टर कित्थों मिलदा कि कोई देखे और यीशु मसीह दे वल आ जावे? फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा नॉन क्रिश्चन है, मैनू मौका मिलता इहदे नाल समय बिताण दा, जां इहनू मौका मिलता मेरे नाल समय बिताण दा? पॉल कहिंदा आ कि मेरिया गल्लां इदां दीआं होणे चाहीदीआं, मेरे बोल इदां दे होणे चाहीदे और मेरा चाल चलन इदां दा होणा चाहीदा कि जद इह सुणे, जद इह देखे तां इह वी कहे मैं चर्च जांदा। किन्नियां नूं समझ? इह जिम्मेवारी हर एक मसीह दे मोढ़ियां दे उपर। कलियां दुआवां कर लैणियां काफी नहीं है, कल्ला बाइबल नूं पढ़ लेना काफी नहीं है, चर्च आ जाना काफी नहीं है, जब तक तुसी अपनी जिंदगी च चेंज नहीं लैके आंदे। अगर तुहानू 10 हफ्ते हो गए, अगर तुहानू महीना हो गया, अगर तुहानू साल हो गया, तुहानू खुद पता, एक शैतान नूं पता, एक खुदा नूं पता, एक तुहानू पता तुहाडे अंदर जिहड़ी कमी है, तिन जणियां नूं पता, और तुहानू भी पता है, और तुसी चर्च आ रहे हो रेगुलरली और तुसी उस कमी दे नाल लड़ नहीं रहे और तो जित नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ते तुहानू कोई फायदा हो रहा चर्च आने दा? हां बोलो। अगर एक प्राणी दे जीवन च दुआ नहीं है बट वो रेगुलर चर्च आई जा रहा, जाई जा रहा, आई जा रहा, जाई जा रहा, जा आई जा रही है, जाई जा रही है, बट फिर भी उसके जीवन च दुआ शुरुआत नहीं हो रही, शुरू नहीं हो रही है, तो मैनू लगता कि ओदा चर्च आना फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है? खुदा दा हाथ ओदे भवन दे उपर, खुदा दा कान ओदे भवन दे उपर, खुदा दी नजरां ओदे भवन दे उपर, क्यों नहीं सुनदा, क्यों नहीं देखदा, क्यों नहीं पूरा करदा, क्यों नहीं मंगण वाले नूं मिलदा? क्योंकि जदों देण दा वेला आंदा, जदों खुदा तरस दे नाल भरिया हुंदा आ, बाइबल कहिंदा उहने तरस दे नाल भरिया सीगा, उहने अन्नियां नूं अखां दित्तियां, लंगड़ियां नूं चलाया, तरस नाल भर जांदा सीगा। जदों देण दा टाइम आंदा उहदे ते, उह जदों देखदा ते साडे मन कठोर होए होंदे, साडे मन की होए होंदे आ? कठोर होए होंदे। इसलिए असी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वर्क नहीं हो रहा, फायदे नहीं हो रहे सब। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे? बाइबल आखदा टॉपिक यहां चुदा एक अच्छा नमूना बन। ये वचन किसी एक प्राणी दे लिए नहीं है, ये वचन सारियां दे लिए, मेरे लिए भी, तुहाडे लिए भी, तुहाडे लिए भी, तुहाडे लिए भी, सबना दे लिए भी। एक अच्छा नमूना बनना है। जे असी बड़ी ईजी वे दे नाल कह दिंदे आ कि जदों कोई पुछदा तुसीं किहनूं मन्नदे आ, कहिंदे मैं किहनूं मन्नदा? बोलो, किहनूं मन्नदा? यीशु मसीह नूं मन्नदे आ, दा मतलब समझदे हो कि ओहदियां गल्लां नूं मन्नदा, समझ रहे हो? ओहदियां गल्लां नूं मन्नदा, जे ओहदियां गल्लां नूं मन्नदा आ फिर तुहानूं हक आ कहण दा कि मैं यीशु नूं मन्नदा। एवें नहीं,
अगर तुहाडा करैक्टर बाइबल नाल मैच करदा है, तुहाडा नमूना अच्छा है कि जो तुहानू पुछदा है तुहाडे दसण दे दौरान वो यीशु मसीह वल खिंचिया चलिया जाए, फिर बाइबल फिर मसीह जिंदगी जीवन का बेनीफिट आ, फिर मसीह जिंदगी जीवन का फायदा आ तुहाडा, नहीं तो मुंह तो कला कहण का कोई फायदा ही नहीं कि मैं यीशु नू मनदा। यीशु ने बाइबल दे विच वचन लिखे हुए तुहाडे मेरे तक पहुंचदे कीते आ, जे असीं उहनां नू नहीं मनदे आ पूरा नहीं करदे आ ते फिर सानू हक भी नहीं आ कहण दा कि मैं यीशु नू मनदा। किन्नियां नू समझ लग रही, मनण दा मतलब समझदे ना कि जे पूरा नहीं करदे आ ते फिर कहण दी भी जरूरत नहीं आ कि मैं यीशु नू मनदा, वेखो मैं अपने आप नहीं मनदा, दिल करता चर्च आना दिल करता नहीं आना, दिल करता बाइबल पढ़ना दिल करता नहीं पढ़ना, दिल करता या संगति करता दिल करता नहीं करता, फिर तो कहने की यह जरूरत है कि मैं अपने आप को मानता। हालेलुया, क्योंकि जे यीशु को मने तो गलों भी मने, ओदिया गलों भी मने तो फिर कह सकता है कि मैं यीशु को मानता या मैं यीशु को मानता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब कायन ने हाबल नु मार दिता ना तो खुदा उन्हें पूछने के लिए तेरा भरा कित्थे आ, उन्हें गर्दन थले नु सुट्टी हुई सी। खुदा कहता जे चंगा काम किया होंदा ते तां नु ना होंदी, देख कहिंदे पाप बूहे दे विच या शह च बैठा पिया कि मौका दे, मौका भालदा हो कि मौका दे ते ओ तेरी जिंदगी नू डिस्टर्ब करे, तेरी लाइफ नू डिस्टर्ब करे। बाइबल दीयां बरकतां पादरी दे लई लिखियां होईयां नहीं आ, हर उस व्यक्ति दे लई लिखियां होईयां आ जिहड़ा इहनू मनदा इहनू पढ़दा, जिहड़ा इहनू इहदे अनुसार अपनी जिंदगी नू चलाउण दी कोशिश करदा, उस हर एक व्यक्ति दे लई इहदे विच बरकतां लिखियां। हालेलुया। पौलुस थिमोथियुस नूं आखदा आ, कहिंदा तू हर एक दे लई, देखण वाले दे लई, सुणन वाले दे लई एक अच्छा नमूना बनना। कादे विच बनना? कहिंदा पवित्रता दे विच, निष्ठा दे विच, चाल चलन दे विच और प्यार करन दे विच। तू की करना है, की करना है? अच्छा नमूना बनना, तेरा करैक्टर गुड होना चाहिए, निश्चय दे विच मसीह प्यार करन दे विच। और जो बाइबल दसदा पवित्रता ओदे विच, कहिंदा अगर यह करैक्टर तेरा गुड हो जाता तो लोग कहिंदा खिंचे चले आउण, तेनू कहण दी जरूरत नहीं। किन्नियां नूं समझ लग रही, समझ आ रही है? फिर तुहानू यह कहने की जरूरत नहीं प्रभु मेरे हाथों के कम्मां ते बरकत पा, मेरे फाइनांस नू ब्लेस कर, तुहानू कहने की जरूरत नहीं है। बाइबल आखदा तुहाडे मंगण तो पहला जानदा है तुहाडे दिल च की है। जदों यीशु मसीह के विरोधी यीशु मसीह के वरखिलाफ कुछ बोलना चाहते से अपने मन च दिल च ही गल रखिया सी, और यीशु मसीह ने जुबान से लिया के दस दिता कि तू मेरे बारे इतना सोच या तू ऐदा कहंदा। ओ परमेश्वर ना बदलदा ते ना बदलेगा, ओ अज कल ते युगान युग इको जिहा है, ओ अज भी तुहाडे दिलां दे विच की आ जानदा, तुहाडे जुबान ते 15 मिंट बाद की आउणा है ओ जानदा, 10 मिंट बाद की होएगा ओ जानदा। एक जिहड़ा निश्चा बाइबल दे विच मैं रात पढ़िया जदों मैं बड़ा हैरान होया, एक हिडन सिन है, छुपिया होया एक पाप है जिहदे बारे आपां नूं पता नहीं है, और मैनूं भी राती पता लगा, रात 12:30 दा टाइम सीगा जदों मैं बाइबल पढ़दा। कहिंदे अगर बिना विश्वास दे असीं खुदा दे कोलों भी कुछ मंगदे ना बिना विश्वास दे, कहिंदा पाप है, बिना विश्वास दे, और सानूं विश्वास नहीं और असीं खुदा को मंगदे पए ओ पाप है। मैं साबित करांगा तुहानूं बाइबल दे विच, और मैं पढ़िया हिडन सीन नहीं है,
और बाइबल कहता जे तू सुखना सुखदा या खुदा दे ले और उनु देर लगाता या पूरा करन दे ले या पूरा नहीं करता भी तेरे लिए पाप है। और असि कहने करे झूठ बोलना ही पाप है, ये हिडन पाप है। कहता जे तू सुख ना सुख ली है कि प्रभु मैं ऐदा कर दे आ बरकत दे दे तो मैं ऐदा करांगा या करूंगी तो प्रभु तो बरकत दे देता है, पर वो असी जो सुखना सुखी से पूरा नहीं किया ये पाप या साडे फिर रोजे रखन दे नाले हटना नहीं जब तक सुखना पूरी ना करो ये पाप लेखे लिखिया जाना है। कहता बिना विश्वास तो तू खुदा दे कोलों कुछ मंगता वो तेरे लिए गुनाह है पाप या तेरे लिए कहता है। हालेलुया हालेलुया किन्हां नूं समझ आ रही पढ़ो जरा मेरे नाल संत मती दा अंजील ओदा सत नंबर अध्याय ओदा एक नंबर पंक्ति तो पढ़ना शुरू करना पांच नंबर पंक्ति तक बड़े ध्यान दे नाल सुनना वचन की आखदा टोटल पांच वर्सेस आपां पढ़नी है। वचन दे विच जाण तो पहला मैं टाइटल समझाउण दी कोशिश करांगा और उम्मीद करदा हां कि तुसीं अच्छी रीति दे नाल समझण दी कोशिश करोगे। संत मती दा अंजील ओदा सत नंबर अध्याय ओदा एक नंबर तो पांच नंबर पंक्ति तक हां जी पढ़ दीजिए। दोष ना लाओ दोष मैनूं बोलण वाले लोग चाहिए दोष ना लगाओ ता जो तुहाडे उत्ते दोष लाया ना जाए ता जो फिर तुहाडे उपर भी दोष लाया ना जाए। हां जी क्योंकि जिस न्याय नाल तुसी दोष लांदे हो जिस न्याय दे नाल तुसी दोष लांदे आ उसी नाल तुहाडे उत्ते भी दोष लाया जावेगा उसे न्याय दे नाल तुहाडे उपर भी दोष लाया। ये गल साबित कर दिया कि तुहानू ते मैनू खुदा ने न्यायी नहीं बनाया तुहानू ते मैनू की नहीं बनाया न्यायी नहीं बनाया कि वह नशेड़ी आ वह पापी आ वह गुनाहगार आ वह गालां कढ़दी आ वह गालां कढ़दा आ वह नशे करदा तुसी ते मैं न्यायी नहीं है ऐदा करता नरक जाएगा ऐदा करती नरक जाएगी ऐदा सोचता नरक जाएगा ऐदा सोच दिया नरक जाएगा नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਪੰਜ ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ क्योंकि जे न्याय बनना चाहोगे न्यायी न्यायी इको ही है यीशु मसीह और उन्हें न्याय करना वो सच्चा न्याय करता वो पक्षपात नहीं करता पैसा देख के पक्षपात नहीं करता मनुख नु देख के पक्षपात नहीं करता कहिंदा तुहाडे उपर भी फिर ओदां ही दोष लाया जाना जिस जिदा तुसी जिस सोच दे नाल तुसी दोष लांदे सुनना बड़े ध्यान दे हाँ जी पढ़िए अगे बाइबल की आखदा कहिंदा क्योंकि जिदा जिस न्याय दे नाल तुसी दोष लांदे आ तुहाडे उत्ते भी कहिंदा इत्ते दोष लाया जावेगा अते जिस मेप नाल तुसी मिंदे हो उसे नाल तुहाडे लई मिनिया जावेगा उसे नाल तुहाडे लई हुण अपनी सोच दे विच बदलाव लै के आंदी जरूरत है। ये वचन पढ़न तो बाद सुनन तो बाद मैनू लगदा आ कि साडी जिंदगी च बदलाव आना चाहिदा आ सब तो पहला असी दोष लाना बंद करिए एक अच्छा नमूना अगर बनना है एक गुड करैक्टर दे विच आना आ तो सब तो पहला की करना दोष लगाना बंद कर कमियां कढ़नियां बंद करनियां जे तुसी कमी किसी नूं जाहिर भी कर दोगे तुहाडी इन्नी हिम्मत नहीं आ कि तुसी उहदी कमी नूं दूर कर दो कहे किसी च है इन्नी हिम्मत कि तुसी दसो कि तू तू गालां करदा आ तू गुनाहगार आ तू नरक दे विच जाएगा ये तो तुसी दोष ला दिता ते दोष लाउण दे दौरान कि तुहाडे च इन्नी हिम्मत है कि तुसी इहनू गालां कढ़न तो आजाद करा सको है इन्नी हिम्मत जे नहीं आ ते फिर दोष लाउणा भी बंद कर तुहानू कोई हक नहीं है दोष लगाउण दा और ना ही खुदा दा वचन तुहानू ते मैनू कहिंदा दोष लगा दे
की करन दे लई कहंदा कहंदा दुआ की कर कहंदा जे तैनूं पता लग जाए कि तेरा भरा गुनाहगार आ कहंदा ओहदे लई की कर दुआ कर दोष ना ला ओहदे लई विनती कर खुदा दे कोलो क्योंकि ओह हिम्मत रखदा आ ओहनूं आजाद करवाउंदी सारा चर्च बोले हालेलुया किन्नियां नूं समझ आई है मेरी गल एक गुड करैक्टर दे विच आउण दे लई एक अच्छा नमूना बनन दे लई सब तो पहला दोष लाउण वाली बुरी आदत नूं अपने तो बाहर करना फिर बाइबल आखदा कहिंदा जिद्दां तुसीं मेप दे नाल मिलदे हो फिर तुहाडे लई वी उद्दां ही मिलिया जाणा याद रखना इंसान भुलण हार इंसान डिगण हारिया अज खड़े हैं तो दोष लगता लोगों के लिए एक दिन ऐदा भी आ सकता कि तुसी डिगे हो ते बाइबल आखदा ते वे जिद्दां तुसी मिणिया ते ऐदें तुहाडे लई मिणिया जाणा समझ आ रही है हाँ जी पढ़िए जरा अते तू उस कख नूं जिहड़ा तेरे भाई दी अख विच है आखदा आ कि तू उस कख नूं जेड़ा तेरे भरा दी अख दे विच आ क्यों वेखदा है क्यों वेखदा आ पर उस शतीर दी वल हां जो तेरी अपनी अख विच है उस शतीर नु उस लठ नु जो तेरी अख अपनी अख दे विच आ ध्यान नहीं करदा ओदे वल तो ध्यान नहीं करदा अथवा की कर तू अपने भाई नु आखेगा केदा कहंदा तू अपने भाई नु आखेगा लिया तेरी अख विचो कख कढ सुटा लिया तेरी अख दे विचो कख जे हिम्मत नहीं है तो फिर कमी जाहिर करन दी भी तुहानू कोई जरूरत नहीं है जे कटन दी हिम्मत नहीं रखदे जे पावर नहीं रखदे आ किसे नू आजाद कराउण दी जां डिलीवर करन दी फिर तुहानू जाहिर करन दी भी जरूरत नहीं है समझ आ रही है कि नहीं समझना आ सुनना नहीं है समझण दी कोशिश करनी अज बदलाव लेके जाना है घर अपनी जिंदगियां च सारा चर्च बोले हालेलुया एक गुड करैक्टर बन के जाना एक अच्छा नमूना लेके जाना है कि जो बाइबल कहता है ओदा डेफिनेटली तुहाडी जिंदगी तो होना चाहिए आ तुहानू लोग देखण तुहानू लोग सुनण तुहाडे नाल समय बिताउण ते यीशु मसीह दे वल खिच्चे चले जाण सारा चर्च बोले हालेलुया हाँ जी पढ़िए जरा अगे कहिंदा तू किद्दां कख कढ सकदा आ कि तू अपनी अख च शतीर देखदा नहीं तुहानू पता सुनना मैं थोड़ा गहराई च लैके जाना चाहुंदा जिहड़ा शतीर आ उह शतीर नूं देखदे ही कख भरा दी अख दे विच आया समझना मेरी गल जो मैं फील कीता इस वचन नूं पढ़न दे दौरान कि जो शतीर मेरी अख दे विच आ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਚ ਕਮੀ ਲੱਭਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਆ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਕੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ जो मैं इन्हू फील किया वचन पढ़न के दौरान जो मैं खुदा गहराई च लैके गया आया मैं उही दसना चाहता तो हाँ जी पढ़ो जरा अति वेख तेरी अपनी अख विच शतीर है हाँ हे कपटी पहला उस शतीर नु अपनी अखो कट हाँ ता चंगी तरह वेख के फिर चंगी तरह वेख के तू उस कख नु अपने भाई दी अखो कट सकेगा जद तक तू उस शतीर नु नहीं कढदा है तद तक तू ओदे अख चो कख नहीं कढ सकदा कहिंदा हे कपटी सब तो पहला तू ये विचार सब तो पहला तू इस गल नु सोच कि तू शतीर अपने अंदरों कढ सकदा है उस कमी नु दूर कर सकदा है कमी मैं तैनू पहला भी दस्सिया तीन जने जानदे आ कौन 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 जानदा एक खुदावंद जानदा एक शैतान जानदा तीसरा कौन है ते बाइबल आखदा कहंदा हे कपटी पहला उस शतीर नु अपनी अखो कढ ता तू चंगी तरह वेख के तू फिर उस जड़ा कख आ तेरे भाई दी अख दे विच आ फिर तू देख उहनू कढ सकेगा कि नहीं सकेगा
किन्ने नूं मेरी गल समझ आ रही है, जिहड़ा पवित्र नहीं है दूसरे नूं पवित्र नहीं बना सकता, जिहड़ा आजाद नहीं है किसी नूं गुलामी तों आजाद नहीं कर सकता, जिहदा करैक्टर गुड है ही नहीं है वह किसी के करैक्टर नूं गुड नहीं कर सकता, अच्छा नमूना नहीं दे सकता, जिहड़ा दे नहीं सकता तो किसी तों फिर लै भी नहीं सकता अच्छा नमूना। किन्ने नूं मेरी गल समझ आ रही है, क्योंकि मेरे जीवन को देख के ही उस मेरे भरा की अख दे विच कख पहुंचना होया है। जे मेरे जीवन दे विच 70% सिन्या पापिया कमियां आ उन्होंने देख के ही मेरे भरा के जीवन दे विच 10% कमी आई, और मैनू 10% दिखदी आ पर 70 मैनू अपने अंदर नहीं दिखती। किन्ने नूं समझ आ रही है, कहिंदा तू पहला अपनी अंदरली कमी दे वल निगाह कर कि तू इहनूं कढ सकदा है, फिर कहिंदा अपने भरा दी अख दे वल देख, फिर देखी तू उस अख नूं कढ सकदा कि नहीं। किन्ने नूं समझ आ रही है, चर्च आना जाना काफी नहीं आ, अगर तुहानूं पता कि तुहाडे अंदर गुस्सा ज्यादा करन दी कमी आ ते फिर आन जान दे दौरान वह गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, जे नहीं हो रहा आ ते समझ लेना कि दिल कठोर है, फिर समझ लेना कि दिल कठोरता दे वल गया हो, खुदा की आवाज में सुन नहीं रहा। अगर चर्च आना जाना तुहाडा लगा होया आ और फिर भी जीवन च प्रार्थना उत्पत्त नहीं हो रही, उत्पन्न नहीं हो रही, रिस्टार्ट नहीं हो रही, प्रेयर करना अपने जीवन दे विच, ते फिर मैनूं यही लगता है कि आप अपने जीवन दे विच दिल नूं कठोर करके बैठे कि बोलना प्रभु जो बोलना मेरे कोई असर नहीं, करना जो करना प्रभु मेरे कोई असर नहीं। अज नहीं पता लगता, मैं तुहानूं पहला भी दस्या सी और अज भी दसदा, पाप करन वाले व्यक्ति नूं अज नहीं पता लगता कि उहदा रिजल्ट की आ, उह पाप करदा है कुछ भी नहीं हुंदा, उह नशा करदा उहनूं कुछ भी नहीं हुंदा, उह गाला करदा उहनूं कुछ भी नहीं हुंदा, पर आउण वाले समें दे विच हफ्ते बाद महीने बाद साल बाद उहदा रिजल्ट उहनूं भुगतना पैंदा। याद रखना इस गल, अज नहीं पता लगता पर तुहानूं आउण वाले समें दे विच पता लगेगा कि तुसी जो कीता है तुहाडे अगे आ। हालेलुया, समझ आ रही है, कहिंदा दोष ना लो। सब तो पहला इस प्रॉब्लम नूं अपने अंदरों खत्म करना, शतीर नूं पहला कढ़ना आ, दोष लाउण वाला शतीर आ जिहड़ा, गुस्सा करन वाला शतीर आ जिहड़ा, माफ ना करन वाला शतीर आ जिहड़ा, नमर ना होने वाला शतीर आ जिहड़ा, सब तो पहला इहनूं कढ़ना आ, दैन तुसी गुड करैक्टर दे विच आओगे, फिर भरा दी अख चों कख कढ पाओगे और उहदे करैक्टर नूं भी गुड कर दोगे। सारा चर्च बोले, मैं कह सारा चर्च बोले, हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आई है मेरी, नैक्सट वर्स दे विच चलदे, संत मती दा अंजील उहदा 18 नंबर अध्याय, संत मती दा अंजील उहदा 18 नंबर अध्याय उहदा 6 नंबर पंक्ति तो 9 नंबर पंक्ति तक पढ़ना। संत मती दा अंजील उहदा 18 नंबर अध्याय उहदा 6 नंबर पंक्ति तो लेके 9 नंबर पंक्ति तक पढ़ना। हां जी, पर जो कोई इन्हां छोटियां विचों, हां जी, जेड़े मेरे उत्ते नीचा करदे हन, याद रखना सुनना बड़े ध्यान दे नाल, आखदे आ यीशु मसीह दे मुंह चों निकलिया शब्द है, कहिंदा जो कोई, पर जो कोई इन्हां छोटियां दे विचों जेड़े की करदे आ नहीं गल्लां विश्वास नहीं लिखिया, तुसीं शायद सुनिया नहीं, ध्यान दे नाल की लिखिया, जेड़े मेरे ते निश्चा करदे लिखे, तो मेरी बाइबल च इदां लिखी, हां तुहाडे भी इदां लिखे, फिर ध्यान नाल सुणदे क्यों नहीं, हां एक शब्द ने काम करना है और ओही नहीं सुनिया, उहने काम करना और ओही नहीं सुनन, ना पहुंचदा ही नहीं होया तुहाडे तक, और उहने ही काम करना, उहते सारा वचन टिकिया होया।
लिखा पर जो कोई इन्हां छोटियां दे विचों जो मेरे ते निश्चा करता। हां जी की करे एक नू ठोकर खुआवे, एक नू की करे ठोकर खुआवे, ओदे लई चंगा सी, ओदे लई चंगा सी। सुनना बड़े ध्यान दे नाल, मैं थोड़ा गहराई च लेके जाना। समझ आई है गल नू कि नहीं? समझ आई है कि नहीं आई? बेशक हुण ही मेरे उड़ीक के आया, बेशक ए 2 मिनट दी दुआ करदा, बेशक ये बाइबल नू पढ़ता नहीं है, पर ये चर्च आ रहा है। खुदा दी नजर से छोटा जरूर है, पर ये मसीह है, खुदा ते निश्चा करने वाला है। पर मेरे बैड करैक्टर नू देखते हुए ये गुनाहगार हो जावे और मेरी आदतों नू अपना लवे, तो फिर मेरे द्वारा इन ठोकर लगी है। लगी कि नहीं लगी है? या मैं साबित करा इन बहुत पवित्र बनन दा, मैं इन दिखावा करा कि बहुत मैं पवित्र आत्मा नाल भरदा हां, और मैं साबित करा या मैं दिखावा करा कि मैं बहुत दुआ करने वाला हां, बहुत मैं बाइबल पढ़ने वाला हां, और जदों ये नजदीकी तो मैनू दिखे मेरे नाल समा बिताए तो होवे कुछ भी ना, ते ठोकर लगे कि नहीं? नहीं लगेगी मेरे जीवन तो इन ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी? और बाइबल ये आखदा, यीशु दे मुंह चो निकलिया ये शब्द आ, कहिंदा जो कोई इन्हां छोटियां न्याणियां दे विचों, छोटे बच्चियां दे विचों, जां छोटे दे विचों जो मेरे ते निश्चा करदा आ, किहदे ते? खुदा ते निश्चा करदा आ, और उहनूं ठोकर खवावे। हां जी, ओहदे लई चंगा सी, ओहदे लई चंगा सी जो खरास दा पुड, जो खरास दा पुड ओहदे गल विच बन्निया जांदा, ओहदे गल च बन्निया जांदा, अते ओह समुंदर दे डुब्बण विच डोबिया जांदा। ओह समुंदर दे डुंगाण दे विच की कीता जांदा? डोबिया जांदा। की कीता जांदा? डोबिया जांदा। मेरा गुस्सा करना इहदे लई ठोकर दा कारण बन सकदा? मेरे लिए गंदियां फिल्मां देखना इहदे लिए ठोकर दा कारण बन सकदा? क्योंकि उन्हों पता है एक गंदियां फिल्मां देखना गुनाह या पाप या नहीं देखना, पर जो ये मैनू देखदा देखे इहदा हौसला बुलंद होएगा कि नहीं होएगा? फिर जो ये भी देखेगा गुनाह करेगा तो मेरे कारण इहनूं ठोकर लगेगी। किन्नियां नूं गल समझ आ रही? मेरा माफ ना करना किसी की जिंदगी नूं खराब कर सकता, किसी नूं ठोकर लवा सकता। मेरा दया ना करना, मेरा प्यार ना करना, मेरा माफ ना करना, मेरा मदद ना करना किसी नूं ठोकर लवा सकता है, जो खुदा दे उत्ते निश्चा रखदा। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? तां जे आपां ठोकर लवा सकते हां ते बाइबल ये आखदा आ, कहिंदा तुहाडा जमणा चंगा नहीं, कहिंदा चंगा हुंदा कि खरास दा पुड उस व्यक्ति दे गल च पा के उहनूं समुंदर दी डुंगाण च डोब दित्ता जांदा और मार दित्ता जांदा, क्योंकि ना उह हुंदा ते ना ठोकर लगदी। साडियां बुरियां आदतां किसे दे लई ठोकर दा कारण बन सकदियां आ। बदलाव लैके आ, तब्दीली लैके आनी आ। अज अगर खुदा दे भवन च बैठे आ, मेरा परमेश्वर अपना सामर्थ उडेले कि तुसीं अपनियां कमियां दे नाल लड़के उहनां दे उपर जित प्राप्त करके जाओ। सारा चर्च बोले हालेलुया। समझ आ रही है कि ये वचन जो मैं सुनाउणा आ तुहानूं, उह तों पहलां जो खुराक आ उह दे रहा तुहानूं, तां जो वचन अच्छी रीति दे नाल समझ आ जाए। बुरी आदत, बुरा सोचण दी आदत, बुरा करण दी आदत, बुरा देखण दी आदत, खटियां मिठियां गल्लां सुनण दी आदत किसे बच्चे दे लई ठोकर दा कारण बन सकदी है। साडा दुनियावी कम्मां च ज्यादा रुझान किसे दे लई ठोकर दा कारण बन सकदा? किदां बन सकदा है? मैं इस व्यक्ति नूं गाइड करदा या गाइडेंस दे रहा कि दुनियावी कम्मां वल ध्यान नहीं देना। दुनियावी किसी भी वस्तु के वल, शरीर की किसी भी वस्तु के वल ध्यान नहीं देना, और ये गाइडेंस दे बेचिया नमन नमन। और किसी एक पुराने मसीह नूं देखदा होवे संसार दे रुझेवियां च रुझिया होया तो कहना पादरी मेरे द्वारा ही होया है। हां तो फिर उस पुराने मसीह नूं आ नवा मसीह देख के ठोकर खाएगा। याद रखना, याद रखना, या तो आदतां बदलो ते या फिर तैयार हो जाओ खरास दा पुड अपने गल च पाउण दे लई। किन्नियां नूं समझ आ रही है? जवान ध्यान दे नाल सुनन जरा वचन। बाइबल
बाइबल कहिंदा जिहड़ा जानदा नहीं आ उहनूं सजा मिलेगी पर घट, जिहड़ा जानण तो बाद भी गुनाह करदा आ उहनूं सजा बहुत मिलनी। याद रखना, जिन्हों पता दुआ करना जरूरी, जिन्हों पता बाइबल पढ़ना जरूरी, जिन्हों पता संगति करना जरूरी, जिन्हों पता पाप तो दूर रहना जरूरी है, पर फिर भी करी जा रहा। बाइबल कहता दुगने दंड दे योग्य। बाइबल आखिर कहता मैं तेरा वो यहोवा परमेश्वर जिहड़ा दुगना की करता है, दुगना बट्टा लाता है, कहता माफ नहीं करता। फिर इन्हें नु समझ आ रही मेरी गल, या तो आदत बदलो तो या खराश का पुट गल चुकाने की तैयारी करो। माफ करना पर जे आदत बदलो तो बहुत अच्छी गल है, गुड करैक्टर दे विच आ जाओ। दुनिया दे विच सब तो वड्डा ते औखा काम पता किहड़ा मुक्की च रहिंदिया किसे नूं माफ करना, किसे नूं माफ करना वी दिलों। दुनिया का यह सब तो औखा और वड्डा काम जिन्हें कर लिया वह सचा मसीह, हर किसी के वास का काम नहीं है। और जिसके जीवन च पवित्र आत्मा का काम होता है वही कर सकता है, फिर तुसी गुड करैक्टर दे विच आंदे। बाइबल कहता जे तुसी तरक्की करनी है, जे तुसी वधना है, जे खुदा के कामों नूं करना तो एक दूसरे की की करो, की करो, वेरी गुड, गॉड ब्लेस, सह लवो। ते सहना किहनूं कहिंदे आ, जे इन्हें मैनूं गुस्से च कुछ बोल भी दिता तो सह लवो, जे इन्हें ज्यादा ज्ञान इन्हू आ तो इन्हें मैनूं कुछ कह दिता है तो सह लवो, ना कि पलट के जवाब दो, ना कि गल सुनाने की इच्छा अपने अंदर पैदा करो, ना कि अगले नूं शर्मिंदा करने की इच्छा अपने अंदर पैदा करो। जे इदां है अज आदतों नूं बदल, अज गुड करैक्टर दे विच आ जाणा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है, एक अच्छा नमूना बनना, की बनना, एक अच्छी पिक्चर बनना कि कोई देखे तो यीशु मसीह नूं अपना लवे, कोई देखे तो फिर पूछे कि किदां यह किदां होया, मेरे तो नशा छड नहीं हुंदा, मेरे तो पाप छड नहीं हुंदा, मेरे तो व्यभिचार छड नहीं हुंदा, मेरे तो गंदियां फिल्मां देखना छड नहीं हुंदा, तू किदां किदां भाई तेरे को किदां हो गया, फिर उत्थे की करना, गवाह बनना यीशु। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? मैनूं फिर एक प्राणी की गल चेते आ गई, कहिंदा जिहड़ा पवित्र आत्मा पा के आराम दे नाल बैठा पिया उहदा कोई फायदा नहीं है खुदा दा। और उहनूं आखदा कहिंदा तेरे नाल शैतान चलदा, कहिंदा किसे च वड़ के उहनूं चर्च तां लियांदा। समझ आई मेरी गल कि नहीं? कहिंदा तेरे नाल तां भूत चंगे कि किसे दे अंदर वड़दे आ, चर्च तक तां पहुंचदा हो जांदा, उहदा छुटकारा हो जांदा ते रूह बच जांदी आ। तेरा पवित्र आत्मा पा के कॉर्नर से बैठना, मैं कहना दुष्ट आत्मा चंगा, असी दुष्ट आत्मा तो भी भैड़े। समझ आ रही है मेरी गल, ये मिशन है। जो मत्ती 28 पढ़ोगे तुम्हें पता लगना, लास्ट वर्सेस दे विच जीसस का मिशन है, सारे आप मिशन का हिस्सा है या नहीं, तुम पता ही नहीं होगा, मैं लगता ध्यान पता ही नहीं होगा। कहिंदा हर एक नूं प्रचार करो और उन्हां नूं सिखाओ मेरे हुक्मां विधियां नूं मनना, हर एक नूं सिखाउणा। जदों गुड करैक्टर दे विच आओगे तां लोक तुहाडी सुणनगे, लोक सुणनगे तुहाडे, फिर तां तुसीं ऐदां ना को बस आही इक कमी है मेरे को गुस्सा नहीं काबू च होंदा, बस आही इक कमी है कि गुस्से च मेरे को बोल हो जाता, फिर तुसी यीशु मसीह दी औलाद नहीं है। याद रखना, पंजाबी दी बाइबल च बड़ा भयानक शब्द लिखा, मैं बोलना नहीं चाहता, कहिंदा तुसी अपने बाप तो हो, उहदे तुखम तो हो, पर जे तुसी उहदे वाले करैक्टर दे विच नहीं तां कहिंदा तुसी फिर समझ जाणा, जिहड़े समझदे कहिंदा तुसी बिना बाप तो पता ही नहीं, क्योंकि यीशु दीआं इह आदतां नहीं आ, दोष लाउण वालीआं, माफ ना करन वालीआं, गुस्से च गलत डिसीजन लैण वालीआं,
यसू दी आदत नहीं है। यसू ते लोगों ने पथरा किया कि डिसीजन लिया कोई गलत, यसू मसीह नूं गालां कढ़ियां थप्पड़ मारे कुछ गलत डिसीजन लिया उन्हें, वह जानता सीगा कि पिता की मर्जी इहो ही है मेरी जिंदगी दे विच कि इदां होना है। पतरस नूं कहिंदा, पतरस जिहनूं जरूरी है कि मैं यरूशलम दे विच जावां, ग्रंथियां परिसिया दे हत्थी फड़वाया जावां, मार दिता जावां, सलीब दिता जावां, दुख चलना और मारिया जावां, कबर दे विच चले जावां और तीसरे दिन मुर्दिया तों जी उठा, उस समझिया नहीं सका। कहिंदा इदां नहीं, कहिंदा इदां प्रभु तेरे नाल कदी भी ना होवे। यीशु मसीह कहिंदे शैतान पिछे हट गया, पिछे हट गया, क्योंकि यीशु मसीह जानदा सी पिता की मर्जी इहो आ मेरे जीवन दे विच और तुहाडे जीवन च मर्जी की आ खुदा दी, तुसीं हले तक यही नहीं जानदे। दोष लाउण वाली मर्जी तुहाडे जीवन की नहीं, नशा करना खुदा की मर्जी नहीं है तुहाडे जीवन, पाप करना तुहाडी जिंदगी दे विच खुदा का हिस्सा नहीं है, खुदा की योजना नहीं है। समझ आ रही है मेरी गल? करें तुसीं सब तो पहला यह जानने की कोशिश करो कि साडी जिंदगी च खुदा की मर्जी की है, क्यों आए हैं, क्यों चुने गए हैं, क्यों बुलाए गए हैं। बड़ी आनंदित होने की गल है कि तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, मैं तुहानूं चुनिया, यह खुदा का फरमान है। बड़ा आनंदित करता है दिल नूं कि खुदा ने मैनूं चुनिया इन्नी वड्डी दुनिया दे विचों और मैनूं अपने भवन तक ले आया। पर तुहाडी की जिम्मेवारी है, तुहानूं एक गल नूं समझण की जरूरत है, फिर तुसीं करैक्टर भी उहदे वर्गा बनणा। कहिंदा जिद्दां तुहाडा घल्लण वाला पवित्र आ उदां तुसीं भी, ऐदा नहीं लिखा जे तुसीं बाइबल नूं पढ़दे आ तां फिर ऐदा नहीं लिखा। किदां लिखा? कहिंदा जिद्दां तुहाडा घल्लण वाला पवित्र आ उदां तुसीं भी अपनी सारी चाल दे विच पवित्र होवो। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? फिर तुसीं गुड करैक्टर दे विच आ सकदे, अच्छा नमूना बन सकदे आ कि लोग देखण ते तुहाडे पिता दी वडियाई करन। जे तुहानूं नशा करदे देखण ते फिर पिता दी वडियाई होएगी, तुहानूं क्रोध करदे देखण, गंदियां मंदियां गल्लां देखदे सुणदे करदे देखण, हासा ठट्ठा मजाक करदे देखण, ते उहदे द्वारा खुदा दी महिमा नहीं। आपां सब चुने इसलिए गए हैं, बुलाए इसलिए गए हैं, भवन तक पहुंचते कीते गए इसे लई ना कि साडे द्वारा पिता दी की होवे, की होवे, दोष लाउण दे नाल नहीं हो सकदी, माफ ना करन दे करके नहीं हो सकदी, गालां कढ़न दे नाल पिता दी वडियाई नहीं हो सकदी, हासा ठट्ठा करन दे नाल पिता दी वडियाई नहीं हो सकदी। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? जिहड़ा आत्मक गल्लां करदा जरूरी नहीं है कि वह आत्मक, याद रखना, जो वचन दीआं गल्लां करदा इस गल तों साबित नहीं होंदा कि वह आत्मक है जां खुदा की मर्जी के अनुसार चलता या चलता। बथेरियां जवान लड़कियां इदां गुमराह हो जांदियां जदों लड़के वचन दीआं गल्लां करदे, तां जदों लड़कियां वचन दीआं गल्लां करदियां तां बहुत जवान लड़के गुमराह हो जांदे। मेरी गल नूं समझना जरा, जो वचन दीआं गल्लां करदा है जरूरी नहीं है कि वह आत्मक ही है या वह गुड करैक्टर दे विच है। उहदे करैक्टर तों उहदीआं आदतां तों उहदे नाल समें बिताण तों तुहानूं पता लगेगा कि उहदा करैक्टर किदां दा है। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? हालेलुया। समझ आ रही है? असीं गुड करैक्टर दे विच आदतां नूं बदलना, अपने नेचर नूं चेंज करना। पौलुस तिमोथी नूं कहिंदा, कहिंदा तू अपनी सारी चाल चलन दे विच इक अच्छा नमूना बनना आ, पवित्रताई दे विच भी अच्छा नमूना बनना। तेरी पवित्रताई देखे कोई दूसरा, वो खुदा की वडियाई करे और तेनों सवाल पूछे किदां मैं भी पवित्र बनना चाहता या चाहता। कहिंदा तू अच्छा नमूना बन खुदा नूं प्यार करन दे विच, खुदा दे नाल तेरा प्यार है ये भी जाहिर होना चाहिए लोगों के उपर, देखने वाले के उपर, सुनने वाले के उपर, समय बिताण वाले के उपर, यह जाहिर होना चाहिए आ तू खुदा नूं किदां किन्ना किदां प्यार करदा। यह नहीं है कि कोई डीजे ते नचाए तो आप नच लिया, कोई वर्शिप ते नचाए तो नच लिया, यह साबित नहीं होंदा कि तुसीं खुदा नूं प्यार करदे। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? कोई हाथे ते बिठा ले तो उत्थे बह जाओ, तो कोई रेस्टोरेंट च बिठावे तो उत्थे बह जाओ, यह साबित नहीं होंदा कि तुसीं खुदा नूं प्यार करदे।
मैं पहला भी दस्सिया अज भी दसदा हाँ कलीसिया दे विच और साडे रिश्तेदारां दे विच किसे च इन्नी हिम्मत नहीं है कि मैनूं फिल्मी गाने ते मेरा हाथ फड़ के मैनूं नचा ले। जे तुहाडा हाथ फड़ के कोई नचांदा तां समझ लो तुहाडा करैक्टर किद्दां दा। किन्नियां नूं समझ आ रही है तुहाडे जिहड़े व्हाट्सएप ते स्टेटस लगदा ना ओह स्टेटस व्हाट्सएप दा नहीं ओह तुहाडा है उत्थों पता लगदा तुहाडा स्टेटस की है तुहाडा करैक्टर की है। समझ आ रही है कि बाइबल कहता दोष नहीं लाना यह ना हो कि तेरे तुम ही उसी दोष के बिच गिणिया जाए। गुड करैक्टर वाल नूं असीं अगे वधना है कि असीं एक अच्छा नमूना किदां बन सकीए किदां अपने आप नूं पेश कर सकीए। पौलुस कहता मैं तुहानूं कहता एक पाक कुवारी की तरह खुदा के सामने पेश किया पाक कुवारी की तरह। तो तुसी केड़े कम्मां च पै गए समझ आ रही है कि सियाने समझ पा रहे हैं मेरी गल। पढ़िए जरा बाइबल दे विच अगे की लिखिया कहिंदा चंगी गल आ कि खरास दा पुड़ दे गल दे विच बन्निया जांदा और समुंदर दे डुंगान दे विच डोबिया जांदा। हां जी ठोकरां दे कारण जगत उत्ते हाहाकार ठोकरां दे कारण संसार दे उपर हाहाकार आ। क्यों जो ठोकरां दा लगना क्यों जो ठोकर दा लगना ता जरूर आ पर हाय उस मनुख उते पर हाय उस प्राणी दे उते जिस करके ठोकर लगदी है जेदे करके की लगदी है। बाइबल उस प्राणी नु कुछ जानता है। मैनूं लगदा कि खुदा नु शायद पछतावा भी हुंदा होवे। तुसी उत्पत दा पहला अध्याय पढ़ो उत्पत दा 6 अध्याय पढ़ो फर्क क्या जदों आदम ते हवा नु बनाया ते लिखया खुदा नु बहुत चंगा लगदा। छेवें अध्याय च कहिंदा खुदा नूं बहुत एक गिल्टी फील होई मनुख नूं बना दा हां पछतावा होया गिल्टी फील। समझ आई है गल खुदा ने किस करैक्टर दे विच बनाया एक मनुख नूं कहिंदा आदम नूं अपने सरूप ते बनाया अपने करैक्टर दे विच कि इहदे विच बनिया रहे बट उहने अपना करैक्टर की कर लिया की कर लिया। समझ आई मेरी गल समझ आई है कि नहीं कुछ ज्यादा फासला नहीं है पांच चैप्टर का ही है। पहले अध्याय च लिखा कहता उन्हें खुदा नूं चंगा लगा कि बहुत वधिया है अपने स्वरूप के अपने करैक्टर दे विच ही और अपने करैक्टर वर्गा ही मनुख बनाया उन्हें। खुदा दारू नहीं पींदा ना वह गाला कढ़दा ना वह ठेस पहुंचाउंदा किसे ना वो दिल से गल्ला रखता ना वो चुगलियां करता ना वो ठेस पहुंचाउण वालियां गल्लां करता। ते बाइबल आखदा खुदा ने अपने स्वरूप ते मनुख नूं बनाया तुहानूं ते मेरे जे तुहाडे मेरे विच गल्लां पाईआं जांदियां आ ठेस पहुंचाउण वालियां माफ ना करन वालियां गुस्से च गाला कढ़न वालियां गुस्सा करन वालियां ते समझ लो कि आपां फिर उहदे स्वरूप ते बणे जरूर सीगे पर हुण उहनूं पछतावा हो गया उहनूं चुण के पछतावा हो गया। समझ रहे खुदा नूं फिर चुने जो तुहानूं उहने चुणिया आ उहनूं पछतावा ना करना पवे कि मैं इहनूं क्यों चुण लिया। समझ आ रही है कि नहीं उपरों तो नहीं लंघदा पिया समझ आ रही है। लिखिया कि हाय उस मनुख दे उते जेदे करके ठोकर लगदी है। गुड करैक्टर वाला एक आदम बनाया से खुदा का एक बहुत अच्छे विचार किसे तक पहुंच ना करने वाला आदम बनाया से उन्हें बहुत अच्छा मनुख बनाया से और बहुत अच्छी मिट्टी लेके बनाया से उन्हें कि ए मेरी महिमा करेगा मेरी आराधना करेगा मेरी स्तुति करेगा मेरी प्रशंसा करेगा एदे जीवन तो मेरा नाम वड्याया जाएगा और उन्हें अधिकार भी देते सके पर पांच छे दिन ही रख पाया। शैतान का कामया खोना की कामया खोना तुहाडियां आशीषां तुहाडियां बरकतां वो तो पाप के दौरान तुहाडी पवित्रता ही खो लैंदा झूठ बुला के तुहाडे सच नूं खो लैंदा
बुराई नूं तुहाडे अगे रख के तुहाडे अंदर रख के उह तुहाडे अंदरों अच्छाई नूं खोह लैंदा तुहानूं बेवफा बना के वफादारी तुहाडे अंदरों खोह लैंदा उहदा कामयाब होणा। यूसुफ जो पोटीफर की वाइफ के सामने गलबात हो रही उन्हें अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर जो खुदा का आत्म आया उन्हें बचाने के लिए अपने गुड करैक्टर को बचाने के लिए बाइबल कहता तो भजिया पर पोटीफर की वाइफ का कपड़ा खो लिया उसके मोढ़े तो कपड़ा छीन लिया शैतान का काम है खोना और तुहाडा ते मेरा काम की है बचाना। वह अपना काम अच्छी रीति दे नाल कर रहा पर आपा नहीं कर पाया इसके लिए गुड करैक्टर साडा बन नहीं पा रहा इसलिए असं अच्छा नमूना बन नहीं पा रहे हैं। वह जो मर्जी आता साडे कोलो खो लैंदा पर याद रखना बाइबल कहता तुहाडे अंदर वह आत्मा पाया जाता जिहड़ा जगत दे विच चल रहे आत्मा तो कितना ही ज्यादा बड़ा। सारा चर्च बोले हालेलुया। बाइबल एक थां ते फिर आखदा है कहता अगर किसी पहलवान नूं लुटना है तो सब तो पहला उन्हें बंदी बनाना पड़ेगा। अगर मेरे अंदर खुदा का आत्मा है दलेरी का आत्मा है और वड्डा आत्मा है तो शैतान मैं लुट नहीं सकता शैतान मेरिया बरकतों चुरा नहीं सकता पर सब तो पहला उन्हें मैं बंदी बनाना पड़ेगा। वह कितना बंदी बनाएगा कि मेरे हक बनेगा या मेरे पैर बनेगा या कुर्सी मैं बन देगा जिदा फिल्मों च होंगे नहीं सब तो पहला पाप के मैं बनेगा कि बनेगा पाप फिर अण आज्ञाकारी फिर प्रार्थना ना करने फिर बाइबल ना पढ़ने के दौरान वह मैं बन देगा और इदा मनुख बनिया भी जाता फिर लुटेगा मेरी वफादारी खुदा दे पवित्रता ही खुदा दे ईमानदारी खुदा दे रेगुलर समय जो खुदा दिता वो लुट लेगा। समझ आ रही है मेरी गल लिखिया कि हाय उस मनुख दे उते जिदे करके ठोकर लगती है। हाँ जी पढ़िए पर जे तेरा हाथ हाँ जां तेरा पैर तेनू ठोकर खवाए हाँ जी तां उनु वड के अपने कोलो सुट दे हाँ टुंडा जा लंजा होके जीवन विच वड़ना तेरे लिए इस नालो पला है हाँ जो दो हाथ जा दो पैर हुंदिया हाँ जी दूस दीपक आग विच सुट्या जावे। बाइबल नु पढ़न दा और सुनन दा मतलब की आ कि जो पढ़िया आ उनु हुण एक्शन दे विच लैणा कादे च लैके आणा कादे च एक्शन दे उन्हें सुन लिया भुल नहीं जाना उन्हें हुण करन दे विच लैके आणा प्रैक्टिकल कर कहिंदा जे तेरा हाथ दे तो गुनाह करांदा ना पाप करांदा जां किसे नूं ठोकर लवांदा कहिंदा इहनूं वड्ड छोड़ तेरा गुस्सा तेरा नजर अंदाज करना तेरा माफ ना करन दा आदत या नेचर आ कहिंदा इहनूं ला सुट अपने तो दूर कर दे कहिंदा किन्नियां नूं समझ आ रही है कहिंदा इह ना होवे कि तेरा गुस्सा तेनू नरक तक लै जाए माफ ना करना तेनू तेरा नरक दे विच लै जाए बुरियां आदतां तेनू तेरे नरक दे विच लै जाए बुरा देखना तेनू नरक दे विच लै जाए और किसी दे लई तू ठोकर दा कारण बने और तू नरक दे विच लै जाए। किन्नियां नूं समझ आ रही है कहिंदा जे तेरा हाथ दे तो गुनाह करांदा तेरियां गलतियां दे तो गुनाह करांदियां तेरियां बुरियां आदतां दे तो गुनाह करांदियां बुरा करैक्टर दे तो गुनाह करांदियां आ ते अज ही उह तो आजाद होणा आ। मेरा खुदा तुहानू बल देवे तो आजाद होने के लिए सारा चर्च बोले मैं कह सारा चर्च बोले हालेलुया। हर एक बुरी आदत हर एक बुरे विचार हर एक बुरी संगत यीशु मसीह के नाम से तुहाडियां जिंदगियां नू छड्ड के चलिया जान सारा चर्च बोले परमेश्वर का सामर्थ तुहाडे उपर आवे सारा चर्च बोले और तुहानू आजाद करे सारा चर्च बोले और तुहानू टोटली फ्री करे सारा चर्च बोले और तुहानू एक गुड करैक्टर दे विच ले आए सारा चर्च बोले मैं कह सारा चर्च बोले हालेलुया। कहिंदा जे तेरी बुरी आदत तेनू नरक तक लैके जाती है तो उन्हू ला सुट कहिंदा जे तेरा दोस्त तेनू खुदा तो दूर करता उन्हू दूर कर दे जे तेरे माँ बाप तेनू खुदा तो दूर कर दिया तो उन्हां तो तू दूर हो जा। बाइबल आखदा है जो काम तुहानू खुदा तो दूर करता तुसीं उन्हू अपने तो दूर कर सकते हैं तुहाडा बिजनेस तुहाडी जॉब तुहाडा उठना बैठना तुहाडा संगत करना किसी होर व्यक्ति दे नाल तुहानू खुदा तो दूर करदा आ मेरा परमेश्वर तुहानू बल देवे उन्हू अपने तो दूर करन दे लई सारा चर्च बोले और तुसीं गुड करैक्टर दे विच आ जाओ तुसीं एक अच्छे नमूने दे विच आ जाओ कि लोग तुहानू देखण ते उन्हां जिंदगियां दे विच अद्भुत काम होवे सारा चर्च बोले हालेलुया। इदां दा करैक्टर होना चाहीदा है
ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯਿਸੂ ਚਾਨਣ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਪੀਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਰੈਕਟਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਆਤਮਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਆਤਮਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਤਮਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਕ ਆ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਆਤਮਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਆਤਮਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਰੀ ਕੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਏ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲਾ ਉਗਾਏਗੀ, ਕੰਡਿਆਲੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਏਗਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਬ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਦੜਾ ਇੱਕੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਜੇ ਜੋਬ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਬ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ, ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ, ਅੱਛੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ, ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇਸਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਗਰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇਸਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਬੇਕਾਰ ਅਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਬੱਚੇ? ਆਮੀਨ, ਚੱਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 31 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਛੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 31 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ,
ਤੀਜੀ ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਕਰੋ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾ ਮੀਟ, ਰੂਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੀਟ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਨਰਕ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਪੀਂਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋ? ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸੌ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਨਾ ਦੇਖੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਤਮਕ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਤਮਕ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਮਝੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਚਰਚ ਚਲੋ, ਹੈ ਹੱਥ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਣਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਲੈ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੈ ਥੱਪੜ ਖਾ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪੜੀਏ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਖਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਓ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚੋ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਕਰੋ ਚਰਚ ਵੀ ਆਓ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਠੋਕਰ ਖਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਖਰਾਸ ਦਾ ਪੋੜ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਢੋਂਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਢੋਂਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅੱਜ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲੋਈ ਆ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਆਖਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਆ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪੜੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕੈਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ
कादे वास्ते गुड करैक्टर दे वास्ते बोलो हालेलुया हालेलुया। कहिंदा मैं अपने लिए नहीं वालियां दे लिए जतन करता है दूसरियां दे कि उन्हां दा भी भला हो सके इसन मैं बचा सका इसन मैं आजादी दिला सका लंगड़े नूं चला सका बीमार नूं शुद्ध कर सका। पौलुस दे उत्ते इदां कपड़ा ला के लोग लै जांदे सी बीमार ते ला दिंदे सी ओह बीमार चंगा हो जांदा सी हालेलुया। इदां दा करैक्टर फड़िया उन्हें समझ आ रही है मेरी गल एक गुड करैक्टर दा हिस्सा है। पौलुस दा परछावा पतरस दा परछावा पैंदा लोग चंगे हो जांदे पता लगदा कि पतरस पौलुस ने आउणा आ को चौंका च बिठा दिंदे सी लोकां नूं बीमारां नूं दुष्ट आत्मा नाल जकड़िया नूं चमड़ी दे रोगां रोगां दे नाल जकड़े होया नूं चौंक च बिठा दिंदे पता पतरस उहनां ने इत्थों लंघणा आ उहनां दा परछावा पैणा लोग चंगे होणे आ जे असीं रुमाल उहनां दे शरीर नूं ला के बीमार ते ला देणा उह चंगे हो जांदे। इदां दा करैक्टर कहिंदा जो कुछ भी करो अपनी जिंदगी चो दे दौरान की होना चाहिए खुदा दी महिमा होनी चाहिए ऐदा दा करैक्टर होना चाहिए आ। कहिंदा पर मैं बालियां दे लई कहिंदा भलिया दा कहिंदा मैं यतन करदा कि दूसरियां दे लई भलियाई दा कारण बन सका मैं। हां जी पढ़िए जरा जो ओ बचाए जान जो बचाए जान तुसी मेरी रीस करो तुसी की कहिंदा मेरी रीस करो जिवें मैं भी मसीह दी रीस करदा हां जिवें मैं भी कहिंदा मसीह दी रीस बोलो हालेलुया हालेलुया। पॉल कहिंदा तुसी मेरी रीस करो पढ़ो पॉल दे बारे बाइबल दे विच फिर देखो उन्हें किदां अपने करैक्टर नूं गुड कीता हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है कहिंदा चाहे यूनानी आ ते चाहे यहूदी आ ते चाहे कहिंदा परमेश्वर दी कलीसिया दे लोक आ किसी लई भी कहिंदा ठोकर दा कारण ना बणो कहिंदा। हां जी पढ़िए जरा अगे रसूलां दे करतब ओदा 24 नंबर अध्याय ओदा 16 नंबर पंक्ति रसूलां दे करतब ओदा 24 नंबर अध्याय ओदा 16 नंबर पंक्ति नूं पढ़िए जरा। हां जी मैं आप भी इस विच यतन करदा हां मैं कहंदा आप भी एदे विच यतन करदा हां जो परमेश्वर अते सुनना बड़े ध्यान दे नाल कि जो परमेश्वर अते मनुखां दे सामने कदे मेरा मन कदे भी मेरा मन मैनूं दोषी ना करे मेरा मन मैनूं दोषी ना ठहराए मैनूं ठोकर दा कारण ना बनाए। हालेलुया। कहिंदा मैं इस गल दा भी यतन करदा हां इना वे कि परमेश्वर दे सामने मैं बड़ा धर्मी होवां और लोग मैनूं कुछ जानन मेरे आदत दे करके मेरे नेचर दे करके मेरे गुस्से दे करके या मैं परमेश्वर दे सामने कुछ भी ना होवां और दिखावा करां बहुत वड्डा धर्मी होण दा जां बहुत वड्डा दिखावा करां मैं धर्मी होण किन्नियां नूं समझ आ रही है। कहिंदा मैं इस गल दा भी यतन करदा हां कि मैं जो परमेश्वर दी नजरां च आं उही मैं मनुखां दी नजरां च होवां जो मैं मनुखां दी नजरां च आं उही मैं परमेश्वर दी नजरां दे विच होवां। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है करैक्टर इक्को ही होना चाहिए है दो नहीं होने चाहिए। किन्नियां नूं समझ आ रही है तां जे दो तरह दे आ ते फिर तुहानूं बॉलीवुड च जाणा चाहिए बॉम्बे जाणा चाहिए तुहानूं समझ आ रही है तुहानूं चर्च आउण दी जरूरत नहीं है बॉम्बे चले जाओ फिर रोल मिल जाएगा फेमस हो जाऊंगे पैसा कमाऊंगे डबल रोल उत्थे होंदे इत्थे सिंगल रोल समझ आ रही है कि इत्थे सिंगल रोल ना सिंगल करैक्टर है और गुड करैक्टर है दो तरह का करैक्टर नहीं है बाइबल दे विच समझ आ रही है। यीशु भी इक्को ही है पिता भी इक्को ही है पवित्र आत्मा भी इक्को ही है और उन्हें जिदा दा मनुख बनाया और उन्हें अपने स्वरूप दे बनाया और इक्को करैक्टर दे विच बनाया गुड करैक्टर दे विच बोलो हालेलुया हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है कहिंदा शतीर तो देख शतीर जो तेरी अख च आ कहिंदा तैनूं कख देखदा पर तेरे शतीर करके कख ते अख तक पहुंचिया समझना इस गल नूं फिर देख कहिंदा तू कख कढ सकदा पहला देख तो पहला शतीर कढ़न की कोशिश कर फिर समझ फिर देख तो इस योग हैगा आ कि उहदी जिंदगी चों कमी कढ सकदा पहला जिहड़ा लठ तेरे अख दे अंदर आ तेरी जिंदगी दे अंदर आ जो जो ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ
ते फिर पहला पाप छड़, गुनाहगार होना बंद कर, फिर कख अपने आप ओदी आंख चो निकल जाएगा। सारा चर्च बोल बोल हालेलुया। आइए मेरे नाल खोलिए रोमियों दा पुस्तक। कितने जने थक गए, हाथ खड़ा कर सकते? कोई नहीं थक गया? हां, गेट खुला है, जा सकते हैं। रोमियो दा पुस्तक ओदा 14 नंबर अध्याय। हुण तुहानू वचन समझ आना शुरू होएगा, जो मैं पिछले घंटे डेढ़ घंटे तो बोल रहा ना, तुहानू समझाण दी सिखाण दी कोशिश करदा, हुण तुहाडे पल्ले पैगा। बड़े ध्यान दे नाल सुणो, हुण कंक्लूजन है, सिट है, नचोड़ है वचन जो अज आपां सुणिया। रोमियो दा पुस्तक ओदा 14 नंबर अध्याय ओदा 12 नंबर पद कंटिन्यू कर। हां जी, सबनों मिल गया? सबनों मिल गया? रोमियो दा पुस्तक ओदा 14 नंबर अध्याय ओदा 12 नंबर पद। हां जी, सो साडे विचों हरेक ने परमेश्वर नूं आपो अपना लेखा देना है। साडे विचों यानी कि तुहाडे विचों, साडे विचों, सारिआं दे विचों हर एक ने अपने अपने करैक्टर दा की देना है? लेखा देना। की देना है? लेखा देना। जो बोलिआ ओहदा हिसाब देना, जो सुनिआ ओहदा हिसाब देना, जो देखिआ ओहदा हिसाब देना, जो परिवार च देखिआ, जो इकल्लिआं च देखिआ ओहदा वी हिसाब देना। किन्नेआं नूं मेरी गल समझ आ रही है? जो देख के डिलीट भी कर देता ओदा भी हिसाब देता। समझ आई मेरी गल? कित्थे आ जवान? तुसी तां डिलीट कर देता पर ओदा हिसाब तां देना पैगा। समझ आई मेरी गल? भाई वाला आखदा जो साडे विचों हरेक ने परमेश्वर नूं अपना अपना की करना है? की करना है? ते फिर गुस्सा करके की करना? तुसी माफ ना करके की साबित करना? तुसी किसी नूं दो गल्लां सुना के की साबित करना? तुसी अपने आप नूं वड्डा दिखा के की साबित करना? अपने आप नूं बहुत गुणवान साबित करके की करना है? तुसी जद लेखा ही अपना अपना देना है। की पता तुहाडी नजरां दे विच अगे वाला जीरो हो पर उह परमेश्वर दी नजरां च 100 तक पहुंचिया। किन्नेआं नूं मेरी गल समझ आ रही है? ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ 100% ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਸੋਚ ਲਓ ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਜਦ ਕੱਲ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਕੰਮ? ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਕੰਮ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁਣੇ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਲੈਣਾ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੂੰ ਨਰਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ,
भाई ठेडे अथवा ठोकर वाली वस्तु, ठेडे और ठोकर वाली वस्तु तुसी अपने भरा दे राह विच ना रखो, तुसी अपने भरा दे राह दे विच पाप ओदे राह च नहीं रखो, बुराई ओदे राह च नहीं रखो, लालच ओदे राह च नहीं रखो। समझ आ रही है मेरी गल करी? गुस्सा ओदे राह च नहीं रखना कि तुहाडे गुस्से तो ठोकर खावे, तुहाडे माफ ना करन तो ठोकर खावे, तुहाडे गालां कढ़न तो ठोकर खावे, तुहाडे पदवाली जिहड़ी शब्दावली वरतदे आ ओदे तो ठोकर ना खावे। कहिंदा तू हुण अपने भरा दे राह दे विच कहिंदा की नहीं रखना, की नहीं रखना, ठोकर दा कारण नहीं रखना कोई भी। हुण तू अपना करैक्टर गुड करना तां जो तेरे भरा नूं तेरे तो ठोकर ना लगे, उहनूं माण हो। समझ आ रही है कि आप मसीह च की हैं भैन भरा, और आप सारे मिलकर मसीह का की बनते हैं? शरीर बनते हैं। समझ आ रही है? समझ आ रही है कि आखदा कहना हूँ इतनी गल के उपर विचार करना, कहता एक दूसरे के उपर दोष लगाना हूँ बंद कर देना, अगह तो इदा नहीं करना। फिर कहता हूँ इस गल के उपर विचार करना है भाई, कहता ठोकर वाली कोई भी वस्तु तू अपने भरा के राह नहीं रख। समझ आई है कि नहीं? हाँ जी, पढ़िए जरा। मैं जानता हाँ अते प्रभु यीशु तो मेनू नेचा हुई है, जिन्ना मैं जानता हाँ और यीशु मसीह तो मेनू नेचा हुई है, भाई कोई वस्तु आप तो आप अशुद्ध नहीं, कोई वस्तु आप तो आप अशुद्ध नहीं है, पर जेड़ा किसी वस्तु नु अशुद्ध मानदा है, जेड़ा किसी भी वस्तु नु अशुद्ध मानदा है वो उस लई अशुद्ध है, वो ओदे लई की है अशुद्ध है, अपने आप तो नहीं है। कहिंदा अगर कोई तेनू आके कवे तुसी किसी धार्मिक स्थान दे उपर जाओ जो दुनिया दे उपर बने पए आ और तुहानू कोई खाण नू कवे आ लो जी खाओ, कहिंदा पर अपने जमीर दे करके उहनू कुछ भी ना पुछो, लो दुआ करो शुद्ध करो और खा लो। मेरी गल नूं समझेंगे ना? बाइबल ऐदां कहिंदा, पॉल ऐदां कहिंदा। हालेलुया। हां जी पढ़ो जरा। जेकर तेरे भोजन करके तेरा भरा दुखी हुंदा है, तेरे भोजन दे करके तेरे खाना खान दे कारण तेरा भरा दुखी हुंदा है, तां तू अजे प्रेम नाल नहीं चलदा है, तू हल्ले तक प्यार दे नाल चलदा खाना खान दे। एग्जांपल दित्ती पई आ, जे तेरे गुस्से दे कारण, तेरे लालच करन दे दौरान, तेरा पैसा कमाउन दे दौरान, तेरा चर्च ना आन दे दौरान, तेरे प्रार्थना ना करन दे दौरान, कहिंदा अगर तेरे भरा नूं ठेस पहुंचदी आ या तेरा भरा ठोकर खांदा आ ते तेरा भरा दुखी हुंदा आ तेरी इस बुरी आदत तों, ते कहिंदा समझ लेना कि तेरे अंदर प्यार नहीं, तू हले तक प्यार नूं जानिया ही नहीं खुदा दे, तू हले तक प्यार च चलना सिखिया नहीं आ, तू हले तक सिर्फ एक बैड करैक्टर खिचिया और साबित करदा गुड करैक्टर। समझ आई है कि नहीं? सुनना बड़े ध्यान दे नाल अग्गे लिखिया कि तेरे भोजन करके तेरा भरा दुखी हुंदा आ तां तू अदे तक कहिंदा प्यार दे नाल चलिया ही नहीं आ। हां जी, जिहदे लई मसीह मोया, कहिंदा जिहदे लई मसीह मोया तू भोजन नाल ओहदे नाल नाश ना कर, तू कहिंदा भोजन दे नाल ओहदा नाश करी जा रहा। जे किसी मीट नहीं पसंद तो नाल मैं कि तू आटा ही मीट खाएगा, तो कहिंदा परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी है ओहदे लई मरिया आ कि वह जिंदगी पाए, पर तेरे मीट खाण के करके कहिंदा ओहदा नाश हो गया। समझ आ रही है कि नहीं? की छड़ रहे हैं खुदा दे लई? उत्थे बड़ा रिवार्ड आ स्वर्ग दे विच, जो कुछ खुदा दे लई तुसीं छड़दे पए गुड़िया उत्थे तुहाडे लई एक अलग, मैनूं लगदा तुहानूं प्लेस मिलनी उत्थे। जदों कि यीशु मसीह कहिंदा कौन आ जिहने मेरे लई मां बाप जमीन जायदाद तुहानूं छड्डिया हो, कहिंदा जिहने छड्डिया उह सौ गुणा पाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उह कदी इग्नोर नहीं करेगा उस व्यक्ति नूं, कदी भी इग्नोर नहीं करेगा, कहिंदा जिन्हें मेरे खातिर कहिंदा छड्डिया। हां जी पढ़िए जरा। सो तुहाडे सबोत्यां दी बदनामी ना कीती जावे, तुहाडे कम्मां दी बदनामी ना होवे, तुहाडे खुदा दी बदनामी ना होवे, तुहाडे नेचर दी बदनामी ना होवे, तुहाडे परिवार दी बदनामी ना होवे, तुहाडे कोल बैड करैक्टर दे करके। हां जी, क्यों जो परमेश्वर दे राज खाना पीना नहीं, परमेश्वर दा राज खाना पीना नहीं आ, सगो पवित्र आत्मा विच शांति अते आनंद है, सगो आत्मा दे विच आनंद दे विच बने रहना और शांति पूर्वक जिंदगी नूं बिताउणा, चाहे गुस्से वाली सिचुएशन है फिर भी शांत रहना, चाहे दुख वाली सिचुएशन है फिर भी आनंदित रहना। समझ आई मेरी गल? ए आ गुड करैक्टर दा के हिस्सा, ए आ गुड करैक्टर दा के हिस्सा, कि ए तो साबित हुंदा कि तुसीं गुड करैक्टर दे विच बने पए आ। अगर गुस्से वाली सिचुएशन और तुसीं शांत बैठे पए, ए साबित करदा कि तुसीं गुड करैक्टर दे विच बने पए और
दूसरी गल एक शांति और एक आनंद अगर तंगी या परेशानी या किसी भी गल तो ठेस पहुंची या दुखी या फिर भी तुसी उस दौरान आनंदित बने पे हां खुदा दी हजूरी च साबित करदा तुसी गुड करैक्टर च बने पे हां बोलो हालेलुया हालेलुया हां जी बड़ी है जरा अते जेड़ा इस बिद नाल मसीह दी सेवा करदा है जेड़ा शांति दे नाल और आनंदित हो के खुदा दी सेवा करदा है ओ ता परमेश्वर नु पौंदा ओ परमेश्वर नु चंगा लगदा है अते मनुखा नु प्रमाण हुंदा है ओ पर मनुखा नु भी चंगा लगदा है जेड़ा करैक्टर गुड है ओ परमेश्वर नु भी चंगा लगेगा और ओ मनुखा नु भी चंगा लगेगा ओ परिवार नु भी चंगा लगेगा कईयां दा जीवन एदा दा आ चर्च दे विच बड़ी वाह वाह खटदे आ और परिवार वाले उन्हें कुछ चंगा नहीं समझदे क्यों ओदियां बुरियां आदतां दे कारण ओदा ज्यादा टीवी देखना ओदा ज्यादा मोबाइल यूज करना ओदा ज्यादा इंटरनेट यूज करना परिवार दे लई ठोकर दा कारण बनदा है समझना मेरी गल बाहर ज्यादा घूमना करो बाहर रहना ज्यादा परिवार दे लई ठोकर दा कारण बनदा फिर तुहाडियां दुआवां उन्हां दे लई काम नहीं करनगियां क्योंकि उन्हां दा तुहाडे ते यकीन नहीं है उन्होंने पता एदियां दो शक्ल समझ आई मेरी गल ए चर्च च कुछ हो रहा ते बाहर बाहर कुछ हो रहा ते परिवार च कुछ हो रहा हालेलुया कंटिन्यू करिए समय नहीं है हुण एक्सप्लेन हुंदा मेरे को हो नहीं रहा हुण मैनूं लगदा घूर रहे आ सारे ठोकर नहीं लगती जिन्हां तो रूह नाश नहीं होती जिन्हां तो किसी का दिल नहीं दुखदा जे तो कोई नरक वल नहीं जांदा खुदा तो दूर नहीं हुंदा कहिंदा हुण उन्हां गल्लां दा की करना की करना बोलदे नहीं की करना हुण पिछा करना उन्हां गल्लां दा जिहड़ियां चंगियां आ जिहड़ियां तरक्की वालियां आ जिहड़ियां परमेश्वर नूं पौंदियां आ जिहड़ियां सानूं परमेश्वर दे नजदीक लै जाणगियां और साडे करैक्टर नूं गुड कर देणगियां इदां दियां गल्लां दा कहिंदा हुण पिछा करना सारा चर्च बोलदे हालेलुया हां जी पढ़िए जरा कहिंदा सो चलो असी हुण उन्हां गल्लां दा पिछा करिए जिन्हां तों मेल मिलाप हो रहा जिन्हां तों एक दूसरे दी की हो रही है तरक्की हो रही है हां जी पढ़िए भोजन दे कारण परमेश्वर दा काम ना बिगाड़ कहिंदा भोजन दे कारण परमेश्वर दा काम मीट दे कारण या अपने गुस्से दे कारण या अपने लालच दे कारण या पैसा कमाउण दे कारण या बच्चियां नूं सेट करन दे कारण या बच्चियां दा फ्यूचर देखण दे कारण उहनां दी स्टडी देखण दे कारण उहनां नूं बाहर सेटल्ड करन दे कारण कहिंदा तू परमेश्वर दा काम ना बिगाड़ किन्नियां नूं समझ आ रही है कहिंदा तू परमेश्वर दे काम च विघन ना पा तेरे द्वारा एक राज स्थापित करना खुदा ने हर एक दे द्वारा राज स्थापित करना तुहाडे महल्यां दे विच तुहाडे परिवारां दे विच पर कहिंदा तुहाडियां बुरियां आदतां दे कारण खुदा दा राज बिगड़दा तुहाडा ज्यादा मोबाइल देखना तुहाडा टीवी देखना तुहाडा गल्लां करना गप्पां मारना खुदा दा राज बिगड़दा समझ आ रही है मेरी गल कहिंदा तुहाडा खाणा खुदा दा राज बिगड़दा फिर तुहाडियां आदतां तुहाडी इच्छा खाणा खाण दी इच्छा मतलब तुहाडी कोई भी इच्छा खुदा दे राज दे विच बिगाड़ पैदा करदा समझ आ रही है मेरी गल हां जी पढ़ो सर सब कुछ शुद्ध तो है पर उस मनुख लई बुरा है जिदे खान खाना तो ठोकण लगदी है पढ़ दियो जल्दी भाई गल ए है जो ना तू मांस खावे गल ए आ पे जो तू ना मांस खावे ना मैं पीवे ना कोई एहो जिहा काम करे जिस तो तेरा भरा ठेडा खावे ए यार रिजल्ट गुड करैक्टर दा ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ अपने अंदरों कमी नूं बाहर कढ दिओ दूसरे च कमी कदी भी नहीं लभेगी याद रख कदी भी नहीं दूसरे चो कमी लभेगी जदों अपने चो कमी तुसीं बाहर कढ दित्ती है ना दूसरे व्यक्ति तुहानूं सब चंगे लगणे शुरू हो जाणगे पढ़ो जरा तेनू जेड़ी नेचा है सो अपने लई परमेश्वर दे अगे रख हां जी तानो जेड़ा उस
उस काम दे कारण जेनू ओ योग समझदा है हां जी अपने आप नु दोषी नहीं ठहराउंदा हां पर जेड़ा परम करदा है कहंदा तानिया ओ जेड़ा उस काम दे कारण जेनू ओ योग समझदा जे खुदा ने तानू आराधक बनाया खुदा ने तानू योग समझया पर तुसी करप्ट आधारक जेड़ा वर्शिपर बन के आराधक बन के अपने आप दे उपर दोष ना लाओ अपनिया बुरिया आदतां दे कारण अपने आप दे दोष ना लाओ किन्नियां नु समझ आ रही है जब तुसी मजीशियन आ जब तुसी प्रीचर आ जब तुसी कुछ भी खुदा दा काम कर रहे आ ते कहंदा खुदा ने तुहानू योग समझिया आ पर बुरिया आदतां दे कारण कोई तुहाडे ते कहंदा दोष ना लावे हां जी पढ़िए जरा पर जेड़ा परम करता है जे ओ खावे ता दोषी होया इसलिए जो नेचा करके नहीं खांदा है इसलिए कि ओ नेचा करके नहीं खांदा है हुण पढ़ो जरा भाई बात ध्यान ना सुनना की लिखा हां जी जो इस जो नेचा करके नहीं खांदा है अते जो कुछ नेचा थी नहीं हुंदा जो कुछ नेचा द्वारा नहीं हुंदा सो पाप है सो किया जे दुआ भी बिना नेस्ता तो होती हो भी पाप या जे बिना विश्वास तो तुसी बाइबल पढ़ रहे हैं कि ए ए पढ़ने के दौरान मेरे जीवन जो बदलाव नहीं आना वो भी गुनाह है तो पर मेनू पता है कि बाइबल पढ़ने के दौरान बदलाव आंदा या जो तो इन्हें विश्वास ना पढ़िया हो भी फिर पढ़ने वाले व्यक्ति नु ऐदा लगता है कि ये वचन मेरे नाल गल करता पिया या खुदा वचन के द्वारा मेरे नाल गल करता है जो तो इन्हें निश्चय के द्वारा पढ़िया जाता है जो प्रार्थना निश्चित द्वारा होंगी आ और ऐदा फिर महसूस कराता है खुदा कि खुदा तुहाडे नाल गल करता तुहाडे मन च गल्लां पाउंदा तुहाडे दिमाग च गल्लां पाउंदा तुहाडी जुबान ते गल्लां पाउंदा जो निश्चित द्वारा होंगी दुआ किन्नियां नूं समझ आ रही है और जिहड़े बिना निश्चय तो खुदा दे भवन च आके या मसीह बन के कोई भी काम करते बिना विश्वास तो वह गुनाह है तुहाडे याद रखना ये वाले गुनाह चो फस ना जायो कितने इसलिए जाहिर कराया पौलुस कहंदा मैं नहीं चाहता कि तुसी अनजान रहो आइए अपनी अखां नूं बंद करिए आया सुख दा साह हां आइए अपनी अखां नूं बंद करिए दुआ दी हालत दे विच चल जे वचन नूं मन लो ते आ जाएगा सुख दा साह तुहाडियां आदतां दे विचों बदलाव आएगा सोचां दे विच बदलाव आएगा गुटनिया ते आओ सब पांच मिनट की दुआ है और ये आशीष वाली दुआ है तुहाडे लई बड़ी ब्लेसिंग्स वाली दुआ है सब अपनी अखां नूं बंद करो अपने हाथों नूं स्वर्ग दी वल उठाओ मनन करो अज दे वचन दे उपर रब्बा शाबा साबा दे खेते बेखामा सखा लबा लबा वचन दे उपर मनन करिए जो सुनिया मनिए गुड डिसीजन लईए तुहाडे गुड डिसीजन तुहाडे गुड करैक्टर नूं साबित कर दे दुआ करिए सब दुआ करिए उच्ची आवाज दे नाल ए समा बरकत है ए समा मनन करन दा ए समा परमेश्वर नूं खुश करन दा इसी समय च तुसी परमेश्वर नूं खुश कर सकदे आ यही समय आ तुहाडी दुआ तुहाडे शब्दां तों परमेश्वर प्रसन्न होएगा की तुसी बोल रहे इस समय की तुसी खुदा दे अगे रख रहे हैं खुदा खुश होएगा जो मनन कर रहे हैं जो डिसीजन ले रहे हैं जो खुदा नु कह रहे हैं खुदा खुश होएगा इस डिसीजन तो दुआ करिए री बा शा था थे बे बा 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 लबा शा खांदा रे खे थे खे रे बे खबर बा 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 लबा रे थे रे बे थे रे बा बा ना बा लबा मेरे खुदाबा यहोवा जिरे लिखो मशमा से खेरे बेला रगा रदबा ब्लेस कर मेरे परमेश्वर ब्लेस कर मेरे खुदा अच्छा मन दे अच्छी समझ दे अच्छी जुबान दे मेरे खुदावन और गुड करैक्टर दे विच आ जाण मेरे खुदावन लोका दे लई अच्छा नमूना बनन पवित्रताई दे विच चाल चलन दे विच वचन दे विच प्रेम दे विच एक अच्छा नमूना बनन मेरे खुदावन धन्यवाद अदा करदे हां मेरे प्रभु जी हर एक प्राणी दे उपर तुहाडी बरकत आए जिन्ने जन सिर चुका के तुहाडे कदमां च विराजमान है बरकत पाउण आशीष पाउण और तुसी अपने शाही खजाने च उहनां दीआं जरूरतां नूं पूरा करो मेरे खुदा बाप तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां मेरे प्रभु
मेरी दुआ है जिस तरह सही सलामत लेके आए हैं वापस जान से भी बड़ी मदद और सहायता करना। अपने जलाली दूतों को हुक्म देना कि तुहाडे बच्चिया दे अंग संग होण, बाहिफाजत रहन बसेरिया तक पहुंच दे करन, और जब अपने रहन बसेरिया जो सही सलामत पहुंच दिया ते तुहाडा धन्नवाद दे करन मेरे प्रभु। मेरी दुआ है कि जो तुहाडे लोग अपनी नेक कमाई दे विचों दान दसवंत लेके आए उन्हें कबूल कर लेना, जिन्हें हालातों चो कढ़िया उन्हें हालातों के उपर निगाह करना और हर एक जरूरत को पूरा करना। जिस तरह विधवा की दो दमड़ियां नजर पै गई कर्नेलियस के दान के उपर तुहाडी नजर पै गई, इन्होंने दान के उपर भी तुहाडी नजर पै जाए और इस पैसे के द्वारा तुहाडे राज च वाधा होवे, चर्च दीआं जरूरतां पूरीआं होण तां जो तुहाडे लोग आशीषित होण मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे ने, अज दे वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे मेरे प्रभु, ते 100 दा 100 गुणा फलदायक होवे। मेरी दुआ आ 30 गुणा भी नहीं 60 गुणा भी नहीं बल्कि 100 दा 100 गुणा फलवंत होवे मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे ने, आनंदित किया सच्ची शांति दे नाल भरिया जिंदगी च बदलाव किया आदतां च सुधार किया सी यकीन रखदे निश्चा करदे आ मेरे प्रभु, और धन्नवाद दे नाल दुआ नूं यीशु दे नाम विच मंगदे आ। हालेलुया। आइए सिदर अपनी अखां नूं बंद करिए, बरकत दे कलमे च चलदे। साडे पिता दा प्यार प्रभु यीशु मसीह दी कृपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारिआं दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तों लै के खुदावंदी दूसरी आमद तक हुंदी रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानूं सभनां नूं शांति मिले। खुदा तुहानूं सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे।